हेलो दोस्तों, उपस्थित हूँ नई जानकारी के साथ। और आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ लुलिफॉर्ड क्रीम के बारे में। इसको मैन्युफैक्चर करती है लिफॉर्ड हेल्थ केयर लिमिटेड। और इस क्रीम के प्राइस की बात करें तो 10 ग्राम की ये क्रीम आती है 150 रुपये में। तो आइए दोस्तों, जानते हैं कि लुलिफॉर्ड क्रीम किन किन समस्याओं में काम करती है और इस क्रीम को प्रभावित हिस्से पर लगाने से क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं। इस क्रीम में मौजूद कंटेंट की बात करें तो इसमें है ल्यूलिकोनाजोल 1%। दोस्तों, ये इंग्रेडिएंट एक एंटी फंगल के रूप में जाना जाता है, इसलिए इस क्रीम का इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन को दूर करने के लिए किया जाता है। सबसे प्रमुख रूप से ये क्रीम इस्तेमाल में ली जाती है दाद, खाज और खुजली की समस्या में। इसके अलावा रिंगवर्म के कारण जलन और खुजली की समस्या होती है, उसमें भी ये क्रीम बहुत ही इफ़ेक्टिव है। ये क्रीम स्किन का रूखापन दूर करती है, रेडनेस यानी कि स्किन जो लाल हो जाती है उसको ठीक करती है। तो दोस्तों, इन सभी समस्याओं में लुलिफॉर्ड ज़बरदस्त इफेक्टिव है। तो आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि इस क्रीम को लगाने का सही तरीका क्या है। सबसे पहले आप प्रभावित हिस्से को डेटोल से या फिर एंटी फंगल साबुन से अच्छे से धो लें। उसके बाद में आप किसी कॉटन कपड़े से पोंछें और फिर इस क्रीम को लगाएं। और दोस्तों, जहाँ पर दाद, खाद, खुजली है वहाँ पर तो आपको इस क्रीम को लगाना ही है, लेकिन आप थोड़ा सा उस घेरे के आसपास भी इस क्रीम को लगाएं ताकि उसके आगे स्किन प्रॉब्लम फैले नहीं। और दोस्तों, इस क्रीम को लगाने के बाद भी आप अपने हाथों को अच्छे से धो लें। हाथों को कभी भी मुंह, नाक या आँख को नहीं छुएं। तो आइए दोस्तों, आप बात कर लेते हैं लुलिफॉर्ड क्रीम से होने वाले कुछ साइड इफ़ेक्ट्स के बारे में। इसको प्रभावित हिस्से पर लगाने से कभी कभार खुजली, जलन और पपड़ी उतरने जैसी समस्या हो सकती है। इसके अलावा स्किन पर लालिमा, सूजन और फफोला निकलने जैसी समस्या हो सकती है। वैसे दोस्तों, ये साइड इफ़ेक्ट्स अस्थायी होते हैं, इसलिए समय के साथ ही ठीक हो जाते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। हमसे जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेडिसिन संबंधी और स्वास्थ्य संबंधी जानकारी हम आप तक पहुँचा सकें।